मोदी जी के विकास के 3 काम बताइए। उतना तो क्या, अरे विकास क्या तो बताइए 3 काम यार। आप बजा हिचक रहे, आप बिना वजह दीजिए। हाँ क्यों नहीं पता कुछ काम हमने किया नहीं है मोदी जी ने, कहाँ पे कहना चाहते हैं आप? 3 काम तो बता दीजिए कोई मोदी जी ने जो किए अच्छे विकास के काम। ये तो मोदी जी के देन है ना, ये बनवाया ब्रिज तो पब्लिक घूम नहीं रही है। ठीक है चलिए, एक काम ये बनाया आपने और बनाइए। ये मोदी जी ने बनाया, मैं समझा गुजरात सरकार ने बनाया। गुजरात सरकार ने बनाई है तो मोदी तो गुजरात के है ना। अच्छा बाहर के है। अच्छा यही के है ना। अच्छा और दूसरा काम बताइए। दूसरा काम तो बहुत कुछ देख लीजिए। ये बताइए आप बिहार के है ना, आपके बिहार के लोगों को इस अटल ब्रिज से क्या फायदा हुआ बताइए? इस विकास से पब्लिक घूमती है, सरकार को फायदा है ना, इससे रोड पे मिलता है तो बिहार के गरीब जनता को क्या फायदा हुआ इससे? इससे कोई फायदा नहीं है। आप यार ऐसे काम बताए जिससे जनता का फायदा हुआ। तो थोड़ी यहाँ पे कोई आएगा घूमने के लिए। देश की जनता का फायदा हुआ हो ऐसे मोदी जी के 3 काम बताइए चलिए, जिससे देश की जनता का गरीब का फायदा हुआ। गरीब के देखो साहब ये क्या है, पैसे वाले जो भी है बराबर उन्हीं का फायदा हुआ है, उनकी ही फायदा है ना। अब गरीब आदमी है आप तो कह रहे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे मोदी जी गरीब के लिए काम। मोदी जी भी है तो कुछ तो किया है ना भाई। क्या किया चुनाव में जाते हैं आप ही बोलो। हाँ बिना कुछ नहीं करते तो ऐसे चुनाव में थोड़ी कोई जीत जाएगा। अच्छा बोलो ऐसे तो कोई जीत नहीं पाएगा ना यार भाई। तो कैसे जीत जाते हैं यार, कैसे जीत जाते हैं? अब हिंदू मुसलमान करके जीतते ही है। स्टेज पर आओ, मंच पर आओ, जय श्री राम चिल्लाओ, भारत माता की जय चिल्लाओ, पब्लिक पागल हो गई, मोदी जी आ गए। 15 लाख आया अकाउंट? नहीं 15 लाख नहीं आया है। मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएंगे 15 लाख। जब आएगा देखा जाएगा। आपके अकाउंट में आए 15 लाख? नहीं मुझे तो नहीं आया। क्यों मुझे मालूम नहीं क्यों। अरे मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में आएंगे। हम भी देखे थे न्यूज में लेकिन नहीं आया अभी तक। तो फिर अब क्या करना चाहिए? क्या कर सकते, सरकार का प्रॉब्लम, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मांगना चाहिए ना। क्या मांगेंगे, वो देने वाला जो मांगेंगे। आपने वोट दिया था ना 15 लाख का वादा सुनकर, दिए थे तो उसके लिए नहीं वोट दिए थे। तो आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या नाम है भाई? अरे हेलमेट हेलमेट पहन के घूम रहे हैं आप तो यार, आराम से यार। यार डर वो लग रहा है क्या, कोई डंडा वंडा मार देगा कोई? नहीं नहीं। तो ऐसे लगा था सिर में रखा है हमने। अरे बड़ा बोझ लेके घूम रहे हो भाई। क्या नाम है? मंटू ठाकुर। मंटू ठाकुर। मंटू ठाकुर, अरे बाप रे। ठाकुर साहब कहाँ से? यूपी से? बिहार से। बिहार से किस जगह से? दरभंगा? अररिया? बेतिया। बेतिया से? तो यहाँ क्या करते हैं आप? घूमने के लिए आए हैं। अभी अभी आए घूमने? क्या यहीं पे रहते हैं? हम कलोल में रहते हैं। कलोल रहते हो, क्या करते हो? बिल्डिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का काम? कब से हो यहाँ? यहाँ तो 10-15 साल हो गया। अरे क्या बात, तो क्या बिहार में विकास नहीं है क्या? वहाँ पे तो क्या है, खाली खेती बाड़ी है ना। अरे यार नीतीश कुमार, बीजेपी, सुशील मोदी 15-20 साल वहाँ सरकार चलाई, आप कह रहे हो कुछ नहीं है यार? वहाँ कोई कंपनियाँ नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है कंपनी? वहाँ तो क्या खाली खेती होता है बस, वहाँ का सरकार विकास उतना नहीं कर पाती है। अरे बीजेपी की सरकार थी वहाँ, सुशील मोदी नीतीश कुमार के सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे परसों। नीतीश कुमार तभी तो बीच में पुल गिरा ना। हाँ ये तो सब कहा जाते हैं, किसी के भी सरकार आएगा तो हम तो मजदूरी करके ही खाएंगे ना। मोदी जी का विकास हो कैसे कहेंगे, क्या कहते हैं? ये तो अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। क्या अच्छा किया? बहुत कुछ अच्छा किया है ना। 3 काम बताइए मोदी जी के अच्छे किए। ये तो देखो बाहर जाके फॉरेन कंट्री में आप जाके देखो तो कितना अच्छा किया है। अरे विकास ऐसा कैसा विकास की इंडिया के विकास के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ेगा? फॉरेन के लिए कितना इज्जत मिलता है अपने भारतीय लोग को ये देखो ना। पहले पहले नहीं मिलता था इज्जत? तो कम मिलता था ना। कब मिलता था पहले? देखा था आपने पहले? अभी तो हम क्या है, कोई सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। हम तो सोशल मीडिया पर बराबर। अच्छा व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर कोई भी फंक्शन हुआ, कोई टीवी वगैरह कुछ भी उस पर ही देखते हैं। चलिए मोदी जी के विकास के 3 काम बताइए। उतना तो क्या, अरे विकास क्या तो बताइए 3 काम यार। आप बजा हिचक रहे हैं, आप बिना वजह दीजिए। हाँ क्यों नहीं पता कुछ काम हमने किया नहीं है मोदी जी ने, कहाँ पे कहना चाहते हैं आप? 3 काम तो बता दीजिए कोई मोदी जी ने जो किए अच्छे विकास के काम। ये तो मोदी जी के देन है ना, ये बनवाया ब्रिज तो पब्लिक घूम नहीं रही है। ठीक है चलिए, एक काम ये बनाया आपने और बनाइए। ये मोदी जी ने बनाया, मैं समझा गुजरात सरकार ने बनाया। गुजरात सरकार ने बनाई है तो मोदी तो गुजरात के है ना। अच्छा बाहर के है? अच्छा यही के है ना। अच्छा और दूसरा काम बताइए। दूसरा काम तो बहुत कुछ देख लीजिए। ये बताइए आप बिहार के है ना, आपके बिहार के लोगों को इस अटल ब्रिज से क्या फायदा हुआ बताइए? इस विकास से पब्लिक घूमती है, सरकार को फायदा है ना, इससे रोड पे मिलता है तो बिहार के गरीब जनता को क्या फायदा?
फायदा होगा इससे? इससे कोई फायदा नहीं है। आप यार ऐसे काम बताएं जिससे जनता का फायदा हुआ। तो थोड़ी यहाँ पे कोई आएगा घूमने के लिए। देश की जनता का फायदा हुआ हो ऐसे मोदी जी के तीन काम बताइए चलिए, जिससे देश की जनता का गरीब का फायदा हुआ। गरीब के देखो साहब ये क्या है, पैसे वाले जो भी है बराबर उन्हीं का फायदा हुआ है, उनकी ही फायदा है ना। अब गरीब आदमी आप तो कह रहे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे मोदी जी गरीब के लिए काम। मोदी जी भी है तो कुछ तो किया है ना भाई। क्या किया? चुनाव में जाते हैं आप ही बोलो। हाँ बिना कुछ नहीं करते तो ऐसे चुनाव में थोड़ी कोई जीत जाएगा। अच्छा बोलो ऐसे तो कोई जीत नहीं पाएगा ना यार भाई। तो कैसे जीत जाते हैं यार, कैसे जीत जाते हैं? अब हिंदू मुसलमान करके जीतते ही है। स्टेज पर आओ, मंच पर आओ, जय श्री राम चिल्लाओ, भारत माता की जय चिल्लाओ, पब्लिक पागल हो गई, मोदी जी आ गए। 15 लाख आया अकाउंट? नहीं 15 लाख नहीं आया है। मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएंगे 15 लाख। जब आएगा देखा जाएगा। आपके अकाउंट में आया 15 लाख? नहीं मुझे तो नहीं आया। क्यों मुझे मालूम नहीं क्यों। अरे मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में आएंगे। हम भी देखे थे न्यूज में लेकिन नहीं आया अभी तक। तो फिर अब क्या करना चाहिए? क्या कर सकते सरकार का प्रॉब्लम, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मांगना चाहिए ना। क्या मांगेंगे, वो देने वाला जो मांगेंगे। आपने वोट दिया था ना 15 लाख का वादा सुनकर? दिए थे तो उसके लिए नहीं वोट दिए थे। तो हम इसलिए दिए थे कि काम अच्छा करते हैं। क्या अच्छा काम क्या करते हो? हम लोग तो फूल बेचने वाला काम करते हैं, माली का काम। माली का काम करते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग गुजरात में, हम लोग बिहार से आकर के गुजरात में काम करते हैं। हम लोग कब से कर रहे हैं? लगभग हम 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल से कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा गुजरात लगता है। पूरा परिवार यहाँ पर या परिवार नहीं, परिवार गांव में है लेकिन हमको गुजरात। साथ में क्यों नहीं रखते परिवार को यार? क्यों? अलग है, पैसे कमाने का मैटर है, क्या करे। महंगाई की वजह से सिलेंडर वगैरह सभी बहुत सारा महंगा यहाँ पे, इसलिए नहीं करे। तो महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी नहीं है जिम्मेदार, महंगाई के लिए तो सरकार जिम्मेदार है ना। आप कह रहे हो मोदी जी बहुत अच्छा किए, काम किए, हर काम एक ही साथ में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे ना करेंगे। कैसे? उनका टाइम है यार, धीरे 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 ही ना सब कुछ एक ही साथ में। तो धीरे धीरे पहले पेट्रोल 150 पर ले जाओ, फिर गैस के सिलेंडर को ले जाओ 2000 पर, धीरे धीरे होगा। मेरे उधर तो कुछ नहीं, मैं जितना अहमदाबाद में गुजरात के अंदर में देखता हूँ डेवलपमेंट, मेरे उधर कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट भी नहीं है। अच्छा बहुत इधर अच्छा है। वहाँ ज्यादा सरकार किसकी रही आपके वहाँ? ज्यादा तो वहाँ पे इनका था पहले, क्या बोलते हैं, आरजेडी वाला का था, कांग्रेस का था। ज्यादा रही है अभी जो पहले का तो उतना मुझे, मैं बच्चा था इसलिए मुझे मालूम नहीं है। 20 साल पहले बच्चे थे आप? मतलब छोटा था। कितने छोटे थे? लगभग मेरा उम्र 27 साल हुआ, अभी हुआ 27 साल हुआ। अच्छा फिर 20 साल में तो मोदी का बीजेपी का, मोदी का तो नहीं बीजेपी के समर्थन थे सरकार था वहाँ पर, नीतीश कुमार का था, उसके बाद अभी मोदी का। 2024 के इलेक्शन में क्या होगा लोकसभा में, क्या लगता है? मेरे उधर तो आरजेडी को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आरजेडी होगा? आरजेडी क्यों? वो आरजेडी काम करते हैं इसलिए ना बोले। उनका पिताजी को जैसा किए, खराब किए, अच्छा किए, उससे हमको मतलब नहीं है। उनका लड़का काम करता है ना, तेजस्वी अच्छा करता है, तेजस्वी अच्छा करता है ना। अच्छा इसलिए तो उनको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं उनको। ये बात समझ में नहीं आई, आप बिहार के ना? हाँ तेजस्वी यादव पैदा भी नहीं हुए थे, उनके बाप के घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम आ गया, बताइए। बहुत अच्छा बात ये बोले। मतलब वहाँ पे क्या है, मतलब बाप को सब, मतलब बाप की वजह से बेटा को, मतलब उसे, मतलब क्या बोले, फंसा दिया। हाँ फंसा दिया। गलत हुआ ये? गलत हुआ। किसने फंसाया? मोदी जी फंसाया। आप तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बस आप बोले हैं कि सही कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो आपसे पूछा बोले अच्छा कर रहे हैं। पार्टी का उसमें हम क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। अपनी पार्टी का आदमी वो कुछ किए, नहीं तो गलत कर रहे हैं ना। गलत तो है लेकिन उसमें हम कुछ सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर लो। मुझे जितना गुजरात अच्छा लगा उतना कोई स्टेट नहीं अच्छा लगा। मैं 7 स्टेट में काम किया, सबसे अच्छा हमको गुजरात ही लगा। देखिए मैं गुजरात में पैदा हुआ जब मोदी जी नहीं थे, मोदी जी को कोई जानता भी नहीं था। सही बात। लेकिन तब भी यहाँ बहुत अच्छी इंडस्ट्री और सारी, वो जो भुंगले वगैरह दिख रहे हैं ना आपको बड़े बड़े मिलों के, और सब मोदी जी पैदा हुए उसके पहले से हैं वो। होगा लेकिन इंडस्ट्री पहले से हूँ, तभी से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलिए अच्छा है, बढ़िया है। आइए भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालन सर। उसमें भाई कहाँ रहते हैं सर? छत्तीसगढ़ का रहने वाले। छत्तीसगढ़। अच्छा क्या नाम है आपका मुख्यमंत्री का? भूपेश बघेल। कैसी सरकार है? अच्छी सरकार है सर। अच्छी सरकार है। तो यहाँ क्या घूमने आए? नहीं नहीं नहीं, मैं इधर जॉब करता हूँ। कहाँ पर? ये बिटलापुर में। तो आज नहीं गए जॉब पर? नहीं नहीं, आज 15 अगस्त के लिए। क्या 15 अगस्त जाने, क्या गणतंत्र दिवस है क्या है? स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस, अरे वाह, पता है आपको यार? हाँ सर पता है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े हैं सर? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर की, अरे वाह। यहाँ पर कब से जॉब कर रहे हैं सर? यहाँ मैक्सिमम 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हुआ है। कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं अभी बिटलापुर में रहता हूँ।
विठलापुर, ये कहाँ पर है? विठलापुर ये आपका सानन के आगे। अच्छा, सानन के आगे फैक्ट्री में ही रहते हैं? नहीं, फैक्ट्री में नहीं रहते, वहाँ क्या फैक्ट्री में क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ, क्वालिटी का काम। क्वालिटी इंस्पेक्टर हो? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल अंसारी। मोहम्मद सईद अंसारी? मोहम्मद साहिल अंसारी। मोहम्मद साहिल अंसारी, आप क्या कौन से इंस्पेक्टर हैं आप? क्वालिटी इंस्पेक्टर। क्वालिटी इंस्पेक्टर, यार लोग तो कहते हैं मोहम्मद और अब्दुल और सब पंचरी बनाते हैं, आप इंस्पेक्टर बन गए यार। सर बिना गन वाले इंस्पेक्टर हैं, बस चल रहे हैं। चलिए अच्छा है, बढ़िया है, पढ़िए लिखिए बढ़िया बेहतरीन। हाँ भाई, क्या हाल चाल? क्या नाम है आपका? बिहार से, यूपी से? अरे क्यों भाग रहे हैं यार, शिवराज जी के वहां से आके भाग रहे हैं आप? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।